वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक. और ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग पेंटिंग जो हमारी फोटोग्राफी बेस्ड वॉल हैंगिंग्स हैं उन पे हम बात कर रहे थे. और एक और जो बहुत ही खूबसूरत पिक्चर हमारे पास मौजूद है जो कि यहाँ पर है. इस तरह की पिक्चर्स जो है, यू कैन सी एन ओल्ड मैन ओवर हेयर इन दिस हु हैज़ बीन कैप्चर्ड इन अ फोटोग्राफ. ऐसी पिक्चर्स आपने घरों में मोस्टली लगाते हैं अपनों की, बुज़ुर्गों की या किसी की भी, तो आपको एक जनरल आइडिया हो गया होगा इस पिक्चर को देखने के बाद कि किस तरह की आपको पिक्चर्स लगानी चाहिए. अच्छा, इसके बारे में टेल अस अ ब्रीफ थिंग अबाउट दिस पिक्चर. एक्चुअली रमज़ान था, ये जो साहब नज़र आ रहे हैं सो रहे थे उस वक्त, लेकिन मैंने बड़े अरसे बाद कोई किसी की छिसी हुई कमीज़ देखी जिससे वाकई एक गुर्बत नज़र आ रही थी. तो मुझे जो सबसे ज़्यादा इस तस्वीर में चीज़ अट्रैक्ट की वो उसकी कमीज़, उसकी सादगी और उसकी बाकी उसका चेहरा भी एक्चुअली इस तरह से था कि जो तस्वीर में बहुत अच्छा लग रहा है, तो वो बहुत अच्छा कैप्चर हो रहा है. ओके, या और फोटोग्राफी इज ऑल अबाउट कैप्चरिंग द राइट मोमेंट. आप वो एक जो एक सिंगल क्लिक होता है ना, वो सारी गेम होती है फोटोग्राफी में. और यहाँ से आपको आइडिया हो सकता है कि जिस तरह आप अपने पोर्ट्रेट्स भी खिंचवाते हैं, लोग जाते हैं और बिल्कुल सांस बंद करके तो बैठ जाते हैं फोटोग्राफर के आगे के भाई हमारी तस्वीर खींचे, तो नहीं ऐसे ही आप अपनी, अगर आपने अपने घर में अपने फैमिली मेम्बर्स की कोई भी तस्वीर खींचती हो तो कैप्चर द परफेक्ट मोमेंट विच यू कैन, जो कि एक फील दे कि दैट एक्चुअली वो एक मोमेंट कैप्चर हुआ था. किसी भी फोटोग्राफ में उस मोमेंट का या उस फील का होना बहुत जरूरी है, वरना उस फोटोग्राफ में लाइफ नहीं होगी. फॉर दैट लाइफ यू नीड टू कैप्चर दैट फील. अच्छा, यहाँ पर हमारे पास एक और बहुत ही खूबसूरत पिक्चर मौजूद है जो कि एक और स्टोरी बता रही है. अच्छा, एक मैं अपने व्यूज को भी एक बात बताना चाहूँ कि हमेशा फोटोग्राफ्स या कोई भी आप अपनी पेंटिंग्स या जो भी आप चीज़ें वॉल हैंगिंग्स अपने घरों में लगाते हैं, ट्राई टू डू दिस थिंग कि कोई उसमें कोई पॉइंट हो, कोई उसकी एक स्टोरी हो. यहाँ पे ये अब हमें फर्दर एलैबोरेट आयाज करेंगे कि ये फोटोग्राफ व्हेन वाज इट टेकन. ये एक्चुअली कोई मैंने एक महीना पहले ही ली है तस्वीर, ये मेरी फ्रेश तस्वीरों में से. ये एक नहर में बच्चे नहा रहे थे जहाँ पे उसमें गटर का पानी भी गिर रहा था. सो दैट वाज अ पोल्यूटेड वाटर. तो मैं ये सोच रहा था कि हमारे बच्चे, जब हम ये सोचते हैं कि थोड़ा सा भी गंदा पानी ना पी लें और वो बीमार हो जाते हैं, और ये सब बच्चे सेहतमंद अच्छे तरीके से इतना वो उसमें बीमार रह रहे के अडॉप्ट हो गए हैं शायद उस माहौल में, और बहुत से बच्चे शायद इसी वजह से छोटी उम्र में मर भी जाते हैं, बीमार बहुत रहते हैं शायद, दैट्स बिकॉज ऑफ पोल्यूटेड वाटर इन पाकिस्तान. ओके, लेकिन अच्छा ये भी अगर हम ये देखें तो एक मॉरल पॉइंट हमारे सामने ये आता है, हमारे जो भी गिर्द नवा में चीज़ें हो रही हैं, आपकी फोटोग्राफीज आपकी पिक्चर्स के थ्रू ये चीज़ एम्फसाइज हो रही है, और आपकी स्पेशली पिक्चर्स के थ्रू बहुत सी चीज़ों के बारे में भी पता चल रहा है. तो पीपल गेट अवेयर ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग, क्योंकि आर्ट एक ऐसी चीज़ है जो आपको एक्चुअली बताती है कि आजकल के हालात क्या हैं. अच्छा, व्हेन यू टॉक अबाउट सेलिंग ऑफ दीज पिक्चर्स, तो क्या अगर लोगों को, जिस तरह लोग इस वक्त देख रहे हैं एंड आई एम श्योर दे वुड बी लविंग योर पिक्चर्स, प्राइस रेंज क्या है? आर दे वेरी एक्सपेंसिव? क्योंकि जनरली होता है व्हेन यू टॉक अबाउट आर्टिस्ट, व्हेन यू टॉक अबाउट प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स, तो उनकी जो आर्ट वर्क होता है वो बहुत एक्सपेंसिव होता है. इट्स लाइक एक आम बंदे के लिए अफोर्ड करना आउट ऑफ द क्वेश्चन होता है. जी, मैं एक्चुअली कुछ तो ऐसी तस्वीरें हैं जो मैंने सेल के लिए नहीं रखी, या जो मेरे माइंड में है कि अगर किसी को फिर भी कोई कहे कि मैंने लेनी है लाइक फ्लड की, तो उसके लिए तो मेरे जहन में यही चीज़ थी कि मैं उनसे यही कहूँगा कि वो जो फ्लड रिलीफ फंड है डिफरेंट बने हुए हैं अभी भी रिहैबिलिटेशन के लिए, इमरान खान का या और कोई भी, वहाँ वो पे करके मुझे सिर्फ रसीद दिखा दें और मुझे सिर्फ फ्रेम के पैसे दे के तस्वीर ले लें. तो दैट्स आई एम नॉट फॉर, वो मेरा उसमें अर्निंग मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं है. और अगर वो भी उसको कमर्शली यूज़ नहीं कर रहे आगे, अगर वो उसको वैसे लेना चाह रहे हैं. और सेकेंडली जो बाकी तस्वीरें हैं दैट रेंजेस फ्रॉम इवन 3-4 thousand टू 25,000 की रेंज में है, डिपेंडिंग ऑन क्वालिटी ऑफ फ्रेम एंड द साइज ऑफ पिक्चर. अच्छा, जब अभी मैं देख रही हूँ कि सारी ही तस्वीरों की फ्रेमिंग इज सिमिलर. या तो फॉर अ पर्पस यू हैव डन इट, या हाँ जी, इसलिए ताकि एक जगह पे एक्चुअली कॉम्बिनेशन अमूमन लोग बनाना चाहते हैं. दो किस्म के फ्रेम्स हैं मैंने ज़्यादातर इस्तेमाल किए हैं.
और उसमें इसलिए कि जो बहुत से कलर्स के साथ वो इजीली मैच कर जाते हैं, जिसमें एक लाइट इफेक्ट भी और डार्क इफेक्ट भी है. सो दैट्स व्हाई आई यूज दिस काइंड ऑफ. आपका सिग्नेचर स्टाइल हो गया है कि इफ समबडी वांट्स के मलाइका याज की पिक्चर को आइडेंटिफाई करना हो तो दे कैन इवन गेट द फ्रेम चेंज. दैट्स ऑलराइट. अच्छा, कोई सिग्नेचर अगर जिस तरह आर्ट गैलरीज में हो, क्योंकि मोस्टली पेंटर्स यहाँ पर अपने कोई सिग्नेचर जरूर करते जी हैं. मैं मोस्टली भी अपने नीचे नाम लिखता हूँ जी, इनिशियल्स मैं नीचे करता हूँ. लेकिन इसमें एक्चुअली इसलिए आपको नज़र नहीं आ रहा क्योंकि मेरी रिसेंटली एक एग्जीबिशन था अलहमरा में कुछ दिन पहले, तो उस एग्जीबिशन में मैंने मुझे बहुत जल्दी थी तो आई कुडंट जी ड्यू टू वर्क किया ड्यू टू लैकेज ऑफ टाइम आप नहीं कर सके. अच्छा, लेकिन आप हमें इस पेंटिंग के बारे में बताएं जो कि इस वक्त ये एक्चुअली मैंने वागा में ली थी. ये मुझे बहुत फैसिनेट करती है इस तरह से कि इसमें मुझे यूनिटी नज़र आती है, यूनिटी ऑफ पाकिस्तान में नज़र आती है कि सब लोग जब हाथ खड़ा करते हैं. वागा मैं अक्सर जाता हूँ और वहाँ मैं कई लोग आगे देख रहे होते हैं, मैं पीछे ही देख रहा होता हूँ. आगे देख देख के तो मैं सामने तो काफ़ी देखता ही रहा हूँ, तो मैं उस चीज़ को बहुत इन्जॉय करता हूँ कि और अक्सर मुझे वहाँ एक ख्याल आता है कि क्या ऑब्जेक्टिव था पाकिस्तान का और हम लोग कुछ और चीज़ों में बिजी हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए और मैं गलत कर रहा हूँ खुद. मेरी अपनी डायरेक्शन ठीक होनी चाहिए. इसलिए वागा मुझे बहुत मजा आता है फोटोग्राफी का भी और वैसे उसको देखने का. वैसे एक अगेन द वन थिंग व्हेन यू डू अ फोटोग्राफी इज के आप वो मोमेंट कैप्चर करें जो आप जिस विजन से या जिस चीज़ को अपने दिमाग में रख के आप कोई भी चीज़ या कोई भी सीन कैप्चर करना चाहते हैं वो चीज़ ज़रूर अपने जहन में रखें, क्योंकि तभी आपकी फोटोग्राफी बहुत ही खूबसूरत आएगी. ऑन दैट नोट वील टेक अ शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक पे जाने से पहले लेट मी रिमाइंड ऑल माई व्यूअर्स दैट यू कैन वॉच आर शो फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे ऑनवर्ड्स एट 9:30 PM ओनली ऑन वैल्यू टीवी. लेट्स टेक अ ब्रेक.